हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं, ये मेरा एग्लोनीमा का प्लांट है और इसके लीव्स की कंडीशन देखिए, बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल लीव्स इसके निकले हुए हैं। अब ये जो प्लांट है, ये प्लांट एक्चुअली पूरे साल चलने वाला प्लांट है, लेकिन सीज़न टू सीज़न हमें ये प्लांट के अंदर कुछ ऐसी केयर करनी है जिसकी वजह से ये प्लांट हर एक सीज़न में आपके बहुत ही अच्छे ब्लूम्स हो सके। एक बार जब ये प्लांट आपके यहाँ लग जाते हैं, उसके बाद आपको देखना नहीं है, ये प्लांट लगातार आपके यहाँ पप्स निकाल दे जाएगा। जैसे कि देख रहे हो, मैं सिर्फ एक प्लांट लाया था और यहाँ पे देखिए पूरा झुंड बन गया है। इतने सारे प्लांट्स में डिवाइड कर सकता हूँ कि मुझे उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, उतने सारे प्लांट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये जो प्लांट है, ये एक्चुअली मेरे पास 2 साल से है। 2 साल में ये प्लांट ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर ली है। एग्लोनीमा में अलग अलग वेराइटीज़ आएगी। एक तो सबसे पहले मेरे पास ग्रीन पत्ते वाली वेराइटी है, दूसरी जो लाल पत्ते वाली वेराइटी आती है जिसको हम लिपस्टिक एग्लोनीमा बोलते हैं, और उसके अंदर भी फ्रेंड्स आपको अलग अलग पत्ते के शेप वगैरह आपको अलग अलग वेराइटीज़ देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहली चीज़, जो वेराइटीज़ आप जो भी लाते हो, केयर सबकी कॉमन है, केयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये जो एग्लोनीमा का प्लांट है, अब मैं स्पेसिफिकली आपको विंटर सीज़न की केयर ही बताऊँगा, पूरे साल की तो नहीं बताऊँगा। अब विंटर सीज़न में बेसिकली फ्रेंड्स, जब भी टेम्परेचर डाउन होता है तो सबसे पहले हमारे जो प्लांट होते हैं वो थोड़े से डोरमेंट जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ठंड पसंद नहीं होती। जितनी ज़्यादा ठंडी हवा है प्लांट के लीव्स के ऊपर लगेगी, तो बाद में प्लांट के जो पत्ते हैं वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें कोई फर्टिलाइज़र का रोल नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर ठंडी हवा लगेगी तो प्लांट के जो पत्ते हैं वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है, इसको अगर आप सुबह की धूप देते हो विंटर सीज़न में, मैं समर्स और बारिश की तो बात नहीं करता, लेकिन विंटर सीज़न में अगर आप इसको सुबह की धूप देते हो, 2 घंटे 3 घंटे की अगर आप सुबह की धूप दे दोगे, तो बाद में ये इश्यू आपके प्लांट के ऊपर नहीं होगा। अब दूसरा बहुत ही बड़ा इश्यू जो हम विंटर सीज़न में हमेशा मिस्टेक कर देते हैं, इसकी जो मिट्टी रहती है, इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना। अब ये जो प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी पसंद बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लांट को तभी पानी दीजिए जब उसकी मिट्टी पूरी हार्ड हो जाए, सख्त हो जाए। ऐसी कंडीशन में अगर आप ये प्लांट को पानी दोगे तो ये प्लांट आपके यहाँ सालों साल चलता रहेगा। ये प्लांट को हमेशा मॉइस्ट मिट्टी पसंद नहीं होती। तो विंटर सीज़न में होता क्या है कि जब भी पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की, वो बहुत ही कम हो जाती है, 50% से भी कम हो जाती है। तो नॉर्मली फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है, ये प्लांट को मैं वाटरिंग करता हूँ समर्स में 2 दिन में 1 बार, और विंटर्स में अगर आप पानी देते हो तो 4 दिन में 1 बार पानी दीजिए। ये भी डिपेंड करता है लोकेशन वाइज, क्लाइमेट वाइज। अगर आपके यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो बाद में सुबह की मॉर्निंग की अच्छी खासी सनलाइट दीजिए। पानी तभी दीजिए जब आपको लगता है इसकी मिट्टी टोटली ड्राई और हार्ड हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में अगर आप वाटरिंग करोगे तो प्लांट आपके बहुत ही अच्छे सर्वाइव कर पाएंगे ये विंटर सीजन में भी। अब फर्टिलाइज़र में फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है, इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं होती, और ख़ास करके जब विंटर सीज़न होती है तब ये जो हमारे एग्लोनीमा के प्लांट है उनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र दीजिए भी मत। क्योंकि सबसे पहली चीज़, जैसे कि अभी सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, ये प्लांट डोरमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर ठंडी हवा लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा फर्टिलाइज़र हमें प्लांट को नहीं देना है। एक नॉर्मल लो डोजेज फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो, जैसे कि आप काउडंग लिक्विड देते हो, वो भी 15-20 दिन में 1 बार इसकी मिट्टी के अंदर डाल दिया, ये मोर देन इनफ है। इसके अलावा कोई भी दूसरा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, जैसे कि केमिकल हुआ या तो मस्टर्ड लिक्विड हुआ या तो ये वो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल कॉम्पोस्ट भी आधी मुट्ठी इसकी सॉइल के अंदर डाल दोगे तो भी ये प्लांट को चल जाएगा। इससे ज़्यादा ये प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना। जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र दोगे ये प्लांट, उतना ही ज़्यादा ख़राब होगा। तो ये चीज़ भी एग्लोनीमा के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा अभी फेमस हो रहा है। प्लांट बहुत सारे जो लोग हैं ये प्लांट को पसंद करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर कलर्स जो पत्ते के आते हैं वो बहुत ही खूबसूरत आते हैं। लेकिन लोग लाते हैं प्लांट को, लेकिन फाइनली वो प्लांट उनके यहाँ मर जाता है, यही सेम रीजंस की वजह से। तो अगर आप इंडोर भी रखते हो ये प्लांट को, सपोज़ आपने घर के अंदर भी रखा है, तो ये आराम से चल जाएगा।
बस इसको एक ब्राइट लोकेशन चाहिए, और जहाँ पे अगर सुबह की धूप आती है तो ऐसे लोकेशन में ये प्लांट को रखोगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा चलेगा। घर के अंदर रखने का फ़ायदा ये रहेगा विंटर सीजन में कि ज़्यादा ठंडी हवा इसको नहीं लगेगी, तो बाद में ये आराम से सर्वाइव कर पाएगा। अगर आप इसको सुबह की धूप नहीं भी दोगे तो भी ये सर्वाइव कर पाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये प्लांट के पीछे एक नेगेटिव पॉइंट है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वन ऑफ द स्लो ग्रोवर्स है, और इसमें जो अलग अलग वेराइटीज़ आती है उसमें उसकी ग्रोइंग कैपेसिटी भी अलग अलग होगी। जैसे कि ये जो हरे पत्ते वाला एग्लोनीमा है वो सबसे फास्ट ग्रोइंग प्लांट है एग्लोनीमा वेराइटीज़ में, लेकिन जैसे कि आप लिपस्टिक एग्लोनीमा लाते हो, बाद में दूसरे जो चौड़े पत्ते वाला जो एग्लोनीमा आता है, वो कुछ ऐसे प्लांट है वो धीरे 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 करके ग्रो होते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि प्लांट एकदम ही जल्दी ग्रो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आप छोटा प्लांट लाते हो तो एक छोटे पॉट में ही उसको रखिए, ज़्यादा पॉट चेंज मत करिए। जब भी आपको लगता है कि उसका पॉट टोटली भर चुका है, जब उसके अंदर से बहुत सारे पप्स निकल चुके हैं, पॉट के आसपास पूरा का पूरा पॉट भर चुका है, तब ऐसी कंडीशन में ही आप अपने प्लांट को दूसरा पॉट दे सकते हो, या तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई यानी कि एक पप, जैसे ही आपने ओपन किया, मिट्टी हटाई, तो एक पप को दूसरे पप के साथ से हमें अलग कर देना है, रूट सिस्टम के साथ अलग कर देना है, और उसको अलग पॉट में डाल सकते हो। तो ये हिसाब से भी आप इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा रिपोर्टिंग ये प्लांट को नहीं चाहिए। ये प्लांट जैसे कि देख रहे हो ग्रो बैग में लगा हुआ है, जब से मैंने ये प्लांट लाया हूँ तब से ये प्लांट यही ग्रो बैग में है, यही मिट्टी के अंदर है। जैसे कि देख रहे हो ये प्लांट की तो पूरी ग्रो बैग भी डैमेज हो चुकी है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रूट सिस्टम देखिए कैसे हो गया इसके। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स, ये प्लांट को ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं चाहिए। तो कभी भी आप अपने एग्लोनीमा को बार बार रिपोर्ट मत करिए। जैसे कि हम दूसरे जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं, उनको हर साल में एक बार रिपोर्ट करते हैं, तो ये जो एग्लोनीमा के प्लांट है बार बार रिपोर्टिंग इसकी नहीं की जाती। एक ही बार जैसे कि आप नर्सरी से लाते हो, अब बहुत सारे लोगों को मन ये होता है कि ये नर्सरी के जो पॉट होते हैं बहुत ही गंदे दिखते हैं, लेकिन ये जो नर्सरी के ब्लैक पॉट होते हैं वो सबसे सेफ पॉट होते हैं, सबसे अच्छे पॉट होते हैं। उसको चेंज मत कीजिएगा, वही पॉट में प्लांट को रहने दीजिएगा। वो पॉट को आप दूसरे कोई भी खूबसूरत सिरेमिक पॉट के अंदर डाल दीजिए, तो आपका जो पॉट है वो दिखेगा भी नहीं, प्लांट भी बहुत ही सुंदर लगेगा उसमें, और कोई ज़्यादा अगर आप इंडोर रखते हो तो वो गंदा भी नहीं लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। बस आपको बस ये जो बेसिक चीज़ें हैं उसका ध्यान देना है। बहुत सारा इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड भी इसके ऊपर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार महीने डेढ़ महीने में आप कोई भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड एंड ऑर्गेनिक फंगीसाइड का स्प्रे कर लोगे तो भी चलेगा। एक चीज़ है फ्रेंड्स, ये प्लांट के पत्ते को हमेशा साफ़ रखिए, साफ़ रखने से इसकी खूबसूरती और दिखेगी। अगर इसके पत्ते गंदे रहेंगे तो बाद में इसके ऊपर धूल मिट्टी जमा हो जाएगी, जो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो बस ये चीज़ आपको मेंटेन करनी होगी। मैं डेली ये प्लांट के ऊपर शावरिंग कर लेता हूँ, इसलिए इसके जो पत्ते की जो कलर्स हैं एकदम सफाई और क्लीन दिखते हैं, लेकिन अगर आप गंदा रखोगे इसको तो पेस्ट अटैक भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं ये प्लांट के बारे में जो सबसे ज़्यादा अभी फेमस हो रहा है। वन ऑफ द एग्लोनीमा का प्लांट है हमारा, और ये प्लांट जब बहुत ही ज़्यादा फेमस नहीं था तब मैं ये प्लांट लाया था, और बहुत ही खूबसूरत ये हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि ये एक फ्लावर हो रहा है इसका, लेकिन ये फ्लावर नहीं है, ये प्लांट के पत्ते डेवलप होते हैं। जैसे कि देख रहे हो पहला स्टेज ऐसा होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके इसके पत्ते ऐसे डेवलप होते हैं, और फाइनली प्लांट हमारा ऐसे पत्ते निकालता जाता है। तो कोई प्रूनिंग व्रूनिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लांट ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत आपको लगेंगे। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।